कर रहे हैं। ओहो, ये अपने कैरेक्टर में धीरे धीरे जा रहे हैं। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए vlog पे। So guys, आज का दिन कुछ special है। Special ये है कि आज हम लोग एक movie shoot करने वाले हैं जल्दी ही, KPL के नाम से, जिसका नाम है कुत्ता प्रीमियर लीग। सुन के हंसी आई ना guys। तो आज उसी का जो है पोस्टर हम लोग जो है शूट करने वाले हैं। तो अभी अब से थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। एक सरप्राइजिंग है, हम लोगों ने, सभी लोगों ने, 15-20 लोगों ने मिलकर सोचा चलो एक कोई क्यों ना एक मूवी जो है शूट की जाए। तो फिर स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट लिखने के बाद में उसका अब प्रोसेस चालू होने वाला है। तो आज पोस्टर जो है उसका बनना है। तो जो सिज़ो है अपना, वो अपना कैरेक्टर में है, वो भी एक कैरेक्टर है, मैं भी एक कैरेक्टर हूँ। तो बहुत जल्दी हम लोग जो है आप लोगों के सामने एक मूवी लेके आने वाले हैं। फिलहाल आज जो तैयारियां होने वाली हैं, ज़रा उनको देखिए और अंदाज़ा लगाइए कितनी अच्छी होने वाली है मूवी। तो चलिए फटाफट से, अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, मैं जैसे ही सुबह उठा तो फ़ोन आ गया, तो तुरंत फ़ोन पर बात की। बात करने के बाद भी मैंने सोचा चलिए जल्दी से नहा लेते हैं और नहाने के बाद में निकलते हैं पोस्टर क्लिक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले फल जल्दी से नहा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, मैं मस्त नहा धोकर आ चुका हूँ और आज देख रहे हो बहुत टाइम के बाद में ये वाइट टी शर्ट मैंने डाली है शरीर पे। ये लगभग लास्ट टाइम मैंने 2016 में क्रिकेट मैच खेला था एंड देन फिर उसके बाद में अब मैं पहन रहा हूँ। और ये देखिए मेरी बॉल, ये लास्ट बॉल है जिससे मैंने 5 विकेट लिए थे एक इनिंग में और आज बहुत टाइम के बाद में इसको मैंने निकाला है। तो इसको लेकर जा रहे हैं साथ में, तो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत टाइम के बाद में। एक्चुअली जिस चीज़ से आप प्यार करते होते हैं, तो मम्मी जी जो हैं पूछा में जा रही, तो आप जिस चीज़ से प्यार कर रहे होते हैं वो आपको दोबारा से किसी भी रूप में मिल रही होती है ना, तो आपको हमेशा एक्साइटिंग रहता है। तो गाइस पहले कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं यहाँ से वहाँ के लिए, क्योंकि सबसे बात हो चुकी है, धीरे धीरे करके सभी लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो हम लोग भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं और दिखाने वाला हूँ, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी मज़ा आएगा, पूरा ब्लॉग देखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे शूटिंग वगैरह और कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज मम्मी ने बनाए हैं ये दाल के परे और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली ना दाल रोटी से ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे दाल के परे, बट कहीं कहीं पर इनको दाल के दूल्हा बोला जाता है और न जाने क्या क्या बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर इन्हें, इस डिश को क्या बोला जाता है, ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं फ़ोटोशूट के लिए। फ्रेंड्स, फ़ोन आया था भैया का, तो वो बोले कि ऐसा करो कि घर पर ही आ जाओ, तो मैं बैट वैट लेके वहीं पहुँचूँगा सीधा शिशिर से, और अमित से बात हो गई है मेरी, तो उनसे लेंगे बैट और चलेंगे पहले वहाँ और फिर वहीं से सीधा निकलेंगे हम लोग स्टेडियम की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं गया था शिशिर के घर पे, शिशिर की कंडीशन नहीं दिखा पाया क्योंकि वैसी कंडीशन में था, उससे बैट ले लिया है। और क्योंकि बैट की, दो बैट्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक बैट मैंने अमित से बोला था, तो अमित का एक बैट हो जाएगा, तो दो बैट से, भाई क्रिकेट है तो दो बैट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, चलो मैच खेलते हैं आज। और हम लोगों ने जो है एक एक बैट ले लिया है। अमित भी जो है इस मूवी में जो है कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ये मेरा एक्चुअली स्टूडेंट होने वाला है इसमें। हमारे लड़का नहीं हो गए लेकिन मेरा स्टूडेंट, उधर इंतजार हो रहा है भैया का, भैया इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से चलते हैं भाई, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। आप लोगों को जो है एक और ट्रेमेंडस न्यूज़ ये देनी है कि अपने सचिन तिवारी भाई भी उस मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राउडी राउडी अन्ना का रोल कर रहे हैं। देखिए लग रहे हैं ना एकदम साउथ के, एकदम डॉन टाइप के, तो एकदम इनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज, हम सभी लोग लगभग 18-20 लोग हैं और एक अपने आप में एक नायाब नमूने ऐसे ही हैं। बाकी मूवी के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों के अंदर जो हिडन टैलेंट है वो आप लोगों को दिखने वाला है इस मूवी के द्वारा। कौन कितना बड़ा नमूना है, और हमारे ये अन्ना बैठे हैं, ये अन्ना, ये अन्ना रसकल्ला। एकदम मतलब बहुत बहुत मजा आने वाला है, बस चल रही है। तो चलते हैं और अब बाकी के लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम लोग पहुँचते हैं जल्दी से। अब हम जा रहे हैं सिज़ो को लेने के लिए, मैं और अमित वर्मा। हेलो गाइस, मेरे भाई का चैनल बढ़ाइए, राहुल पांडे उन्नाव वाला, राहुल पांडे उन्नाव वाला। मैं और अमित जा रहे हैं भैया के घर पे सिज़ो को लेने के लिए, तो चलिए चलते हैं। हमारी जो है मूवी का सुपर हीरो, ये देखो ये ऐसे कर, ये देखो ये 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 देखो हमारा सिज़ो बैठ गया और भैया बैठ चुके हैं, बिट्टू लेके जा रहे हैं। भाई जो टीम के कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्राउंड की तरफ। ये हमारी टीम के बाकी कैरेक्टर्स चले,
हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे रेडी हो रही है। ये हमारे मनीष फुलवानी, ये देखो हमारे बुढ़ाऊ दादा, इनका भी मेकअप होगा। इनको भी रेडी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये अपने रोल में इतना चले गए अंदर तक कि इन्होंने अपना पैर तोड़वा लिया। सच में डर तो नहीं हो रहा, तकलीफ तो नहीं है दादा? है, कैसे कर पाएंगे? कर लेंगे तो ठीक। फिर मैं भी थोड़ा अपने बाल बाल सेट कर लेता हूँ। वैसे मेरा मूड नहीं था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है हेलमेट लगाने के बाद से, तो इसको थोड़ा ठीक करा लेगा। इधर वाले बाल थोड़ा सा ज़्यादा है वो, तो इधर से कुछ करा दिए, सेट करा दिए। सारे कैरेक्टर्स रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। ये बुढ़ाऊ दादा है हमारे, मेन रेल रोड इन्हीं का है। और ये हमारे शास्त्री जी जो है ये फैमिली के जो है मुखिया बने हुए हैं। बाकी सब पीछे जितने हैं सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। ये फैमिली के मेंबर बने हुए, मुखिया बनी हुई है, लेडी मुखिया। तो चलिए चलते हैं अब सीधा ग्राउंड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा रहने वाला है। ये देखिए हमारे सारे कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं। जी जी जी, टाटा बाय बाय करने का। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, टाटा बाय बाय करते रहने का जी। ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, और अभी अंदर कुछ कैरेक्टर्स बाकी हैं। ये मनीष फुलवानी, अब चूंकि उनके पैर में दिक्कत है मनीष भैया के, तो दोनों लोगों को सपोर्ट लेकर जो है उतर रहे हैं यहाँ पे। बस में ऐसी कोई सेवाएं नहीं किया है। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं सामने वाला जो गेट है, यही हमारे मेन ग्राउंड जो शूटिंग का एरिया होने वाला है, शूटिंग ग्राउंड होने वाला है, वो यहीं पे होगा। और ये हमारा ग्राउंड है, अभी दिखाता हूं अंदर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड के पास में, अभी वो लोग नहीं आए हैं। और बुढ़ाऊ दादा को साथ मिलाना इसलिए ज़रूरी था, भाई बूढ़ा व्यक्ति पता नहीं क्या हो। बुढ़ाऊ दादा को साथ में लेके चले आए। बुढ़ाऊ दादा कैसे महसूस कर रहे हैं? ओहो ओहो, ये अपने कैरेक्टर में धीरे धीरे जा रहे हैं। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैच जीतेंगे या हारेंगे तो बाद में पता लगे, बाद में पता लग जाएगा। और ये हमारे मनीष भाई जर्नलिस्ट, ये भी हमारी टीम का एक मेंबर हैं और कैरेक्टर हैं इस मूवी के। और ये सबसे जगलर कैरेक्टर भाई जी। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्रिकेट मैच यहाँ पे हो भी रहा है इस तरीके, तो कितना बढ़िया, कितना ऊंची ऊंची लाइटें लगी हुई हैं। मैच यहाँ पे हो रहा है और यहीं पर पिक्चर शूट हो रहा है, और धीरे धीरे सब लोग पहुँच रहे हैं। टाइम ले जाओ, कभी टाइम था जब मैं भी बहुत सारा जो है क्रिकेट विकेट खेलने के लिए इसी तरीके से ग्राउंड में टहलता था। तो आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन पीछे क्रिकेट मैच चला जस्ट, और हम लोग तो भाई अब मैं आया हूँ कुछ किसी दूसरे कैरेक्टर में। चलिए खैर चलते हैं, देखते हैं अभी हो सकता है कुछ पुराने खिलाड़ी मुझे मिल जाए, लेकिन सब छोटे ही लग रहे हैं, जूनियर लग रहे हैं मुझे। तो रोहित है, जब मैं क्रिकेट ग्राउंड पर रहता था तब बहुत छोटा था, अभी तो बड़ा हो गया, दाढ़ी वाढ़ी आ गई, बिना दाढ़ी का लगभग हमको लगता है पाँच साल बाद तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग ग्राउंड पर मिलेंगे। बाहर इधर उधर तो मिल लेते हैं लेकिन ग्राउंड पे मिला नहीं हो पाता है। कितना स्कोर किया आज? आज मैच नहीं था मेरा। आज नहीं खेल रहा है? कानपुर में था। अच्छा कानपुर में था, तो क्या लीग का मैच चला क्या? ये ऐसे ही तीन टीमों का मैच हो रहा है। अच्छा ऐसे ही, मतलब अकेडमी का मैच चल रहा है मुझे लगा। लेकिन अच्छा है, चलो बहुत दिन बाद जो है ग्राउंड पे आने का एक ये फ़ायदा ज़रूर होता है। तो भैया टीम तो उधर खड़ी है, चलते हैं पहले टीम से मिलते हैं हल्के, और देखते हैं हल्के कि क्या योजना बनती है, क्योंकि मैच के बीच में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। अलग ही मोमेंट आता है यार एकदम। ड्रॉप, भाई कीपर ने छोड़ दी यार, चार हो गए भाई के। टीम रेडी है हमारी, लगभग ग्राउंड पे मैच होने की वजह से सिर्फ थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट अभी बीच में थोड़ी देर के लिए मैच रोक देंगे 5 मिनट के लिए, बस फोटो शूट करके फिर वापस से हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, और वो लोग मैच खेलेंगे अपना। फाइनली अन्ना एंड टीम जो है उतर चुकी है मैदान में शूटिंग के लिए। मैच थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया है, हम लोग 10 से 15 मिनट यहीं पे फ़ोटो शूट करेंगे और फिर उसके बाद में चलेंगे।
चंदेल साहब जो है एकदम पूरा करेक्टर में उतर के आए हैं यहाँ पे। देखिए विकेट, सूखा हुआ विकेट, ड्राई विकेट है पूरा। और ये हमारे फोटोग्राफर साहब प्रिंस जी आ चुके हैं। कैसा लागत बानी तोहरा के? बहुत नीक, बहुत नीक लागत है। रहुआ रहुआ का बोला बोला चाहिए हमको? ये बहुत बहुत बढ़िया लगा था, बहुत मजा आता, सबके साथ में बहुत बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। वही हमारे डान का भाई बाड़ू छोट क्या अन्ना, अपन सिज्जू आ गई हो जाएगा चौकन्ना। वही देखा सिज्जू आ गई, सिज्जू आ गई, ये हमारा छोटा अन्ना जी आ गए जा रहे। राम 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 राम। पूरा सेटअप लग चुका है और छोटा सा तम्बू सिज्जो ही भाग गया। अब जो मेन फिल्म का लीड रोल जिसको निभाना था वही चला गया। हाँ हमारी पूरी टीम, चंदेल साहब को पीछे कर दिया गया। चंदेल साहब आगे आइए। जैसे तैसे भैया जो सो रही शूटिंग यहाँ की तिवारी जी के अपने कोशिश के बाद भी नहीं चल पा रहे। लेफ्टी खेलते हैं क्या? लेफ्टी खेलते हैं, वाह क्या बात है। कितने साल बाद उतरे मैदान में? दस साल बाद वाह क्या बात है। इस तरीके से वो भी इस कंडीशन में, क्या बात है। तो थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर शूट होता हुआ। चालू है भैया। चंदेल साहब भाभी तो एकदम विकेट कीपर, काली ग्लव्स पकड़ाने बस। तो एक छोटा सा 5 मिनट का टीजर भी जो है यहाँ पर शूट कर रहे हैं सब। अरे साहब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से बाल कराने का वो घायल आदमी है, धीरे बाल कराने, हाँ धीरे से बाल कराने का उसको। आइयो बताने का पहले कौन सा फेंकता, क्या फेंकता, धीरे फेंकता, स्लो आर्मी लेता रहने लेता है जल्दी से। सब लेफ्टी है इनकी टीम में। अरे ठीक है जिधर से खेल वो उनका नेचुरल होगा। आराम से फेंकना। अरे तो ठीक है, अन्ना अगर तुम ऐसा करेगा तो कैसे विकेट कीपिंग करेगा फिर? तुम्हारे मेरिया कहाँ गए, ऐसे पूछा करो। डॉक्टर साहब सब देखिए वाला ब्लॉग में देखा नहीं है भैया। बिटिया भी तो आप किसी है? बिटिया भी बैठी है, बिटिया बैठी है, अभी शादी तो भाई नहीं है ना, ये इनकी बिटिया ओरिजिनल वाली। हां नहीं वो जो हमारे पीछे बैठी वो हमारी बिटिया, बिटिया या ठीक है, लेवा हमारी बड़ी सुगड़ है, कौन रिश्ता हुई खाते बताओ है, हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं भैया। हां दहेज मत 20 लाख रुपया देवे। और शास्त्री जी का जो है, शास्त्री जी उनको वही छोड़े चले आए। इनकी बिटिया इनके साथ में है, ये बात सही है, सबकी बिटिया साथ में है, पत्नियां किसी के साथ में नहीं। हम हैंडसम और अनपढ़ लड़का ढूंढ रहे हैं अपनी बिटिया खाते। ले भाई गर्मी में बहुत ज्यादा जो है गर्म लग रही थी, मनोज गुलवानी जी के सौजन्य से जो सब लोग पियेंगे अस्ति भाई। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर
और उसके बीच में जो है शूट करना और ऐसा पता नहीं कैसे क्या होने वाला है पता नहीं, बट आई होप कि ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, कॉमेडी वाली कॉमेडी मूवी होगी ये और बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी में। आप लोग तो ने जैसा कि इस वीडियो में थोड़ी सी हल्की सी झलकियाँ देखी होंगी, हमारे कैरेक्टर्स को देखा होगा, तो आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। सो गाइज फाइनली आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और गाइज वेट करिए KPL यानी कुत्ता प्रीमियर लीग बहुत जल्दी आने वाली है आप सबके बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।